जिला कांग्रेस कमेटी ने ग्रामीण स्तर पर बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने दुगनापुरी ब्लॉक कमेटी की बैठक करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया तथा बूथ स्तर की कमेटियों का गठन किया। पेश है कांडा से पंकज वसीले की रिपोर्ट। कांग्रेस की दुगनापुरी ब्लॉक कमेटी ने एक बैठक करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में मंथन किया है। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ललित फरसौन, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता रावल सहित ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश बाफिला ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है। युवा रोजगार के लिए परेशान है तो महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं तथा कर्मचारी व व्यापारी भी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल की तैयारियों को परखा तथा केंद्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों को घर घर पहुँचाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दोबारा सत्ता तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया है। आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं इस रवि जोशी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, युवा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, उनका भी मैं इस दुगनापुरी में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जी जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं इस दुगनापुरी में चौरा से लेकर के पूरे दुगनापुरी में एक कांग्रेस को युवा मोर्चा को एक मजबूत बनाने का जो प्रयास हमारा रहेगा और आने वाले 2022 के चुनाव में पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ सारे युवाओं को अपने साथ जोड़ने का और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का हमारा एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि 2022 में माननीय ललित फरसौन जी को पुनः एक बार विधानसभा में भेज करके अपने विधानसभा का, अपने क्षेत्र का पूरा विकास जो अधूरा पड़ा है उस विकास को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग रहेगा और हम सारे लोग, सारे जितने भी युवा हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की अखंड व डूबी हुई सरकार, इनके प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोगों द्वारा हमारी नेता प्रतिपक्ष पर एक आरोप लगाया जाता है, बहुत अमर्यादित आरोप है। हम चाहते हैं कि भाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को तत्काल मानसिक अस्पताल देहरादून में भर्ती होना चाहिए और अपना इलाज कराकर जो है फिर अपनी पार्टी की सेवा करनी चाहिए। सभी कांग्रेस के साथियों ने इस दुगनापुरी में अपने विचार के साथ साथ कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और 14 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए कांग्रेस में आस्था भी व्यक्त करी। मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि हम और हरीश सेठानी है, सुंदर भाई है, अर्जुन भाई है, रतन भाई है, बहुत सारे जो कांग्रेस के अन्य लोग हैं, हम सब लोग आपके पदचिन्हों पर चलकर कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुगनापुरी ने आज बूथ कमेटी का सत्यापन और जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी थी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों के साथ साथ बहुत सारे बिंदु पर चर्चा करी और आगामी समय में हम सब लोग कैसे कांग्रेस को मजबूत करें, इस पर सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी थी। आज जिला बागेश्वर के दुगनापुरी ब्लॉक में ब्लॉक इकाई की मीटिंग हुई जिसमें हमने महिला कांग्रेस के अपने ब्लॉक अध्यक्ष गीता जोशी जी को गिफ्ट किया और क्योंकि 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है जिसके लिए मैं महिला कांग्रेस की टीम को मजबूत करना चाहती हूँ और जो 2022 में विधानसभा वोट के लिए काम करें और हम बहुत अच्छी अपनी महिलाओं की टीम बनाएंगे और जो हमारी महिला यहाँ गठित की गई है नवनिर्वाचित, वो बहुत अच्छा काम करेंगे और एक बहुत अच्छी टीम अपनी बनाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस 4 साल की चुनौती है कि इस 4 साल में जिस दुगनापुरी को पूर्व के वर्तमान विधायक जी के द्वारा क्या यहाँ पर वो हासिल किया, कहीं ना कहीं इन सब गहन मुद्दों पर भी चर्चा हुई और आने वाले भविष्य की रणनीतियाँ तय करेगी कि इसमें भविष्य में किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और संगठनात्मक रूप में किस तरीके से हम लोगों ने पूरे संगठन के साथ साथ प्रत्येक कार्यकर्ता के मान सम्मान के साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं।